मार्केट घूमते घूमते देख सकते हैं यहाँ पे चापड़ा चटनी यहाँ पे बेच रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, देयर इज अ सन। हम लोग जा रहे हैं तामड़ा घूमर, देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन बनता है, क्या होता है। तो वहाँ पे हम लोग जाके काफी एंजॉय करने वाले हैं। तीन लोग हैं हमारे, पूरन भैया है, मेरा बेटा ये है और एक मैं हूँ। तो हम लोग तीनों जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बाइक में थोड़ा पेट्रोल कम था, इसीलिए अपन लोग हैं पेट्रोल पंप, यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे। कितना को डालोगे सर? गरीब आदमी, देख रहे जेब में पैसा है फिर भी गरीब बोलना नहीं छूटेगा, ये है हमारे मालिक का काम। गाइस पेट्रोल डलवा लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट तामड़ा घूमर, तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन होता है, काफी एंजॉय करने का तो मूड बना है, तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं फिर। गाइस अपन लोग अभी पहुंच गए हैं मटनार के एक छोटे से मार्केट में, देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग हुआ है, अभी उतना खास नहीं है, इसी कारण से बस यहीं टहल के उसके बाद हम लोग जाएंगे तामड़ा घूमर। तामड़ा घूमर के बाद पता नहीं क्या होता है। मार्केट घूमते घूमते देख सकते हैं यहाँ पे चापड़ा चटनी यहाँ पे बेच रहे हैं। टेस्ट भी करवा सकते हैं, नहीं करवाना, लेकिन यहाँ पे घूमते घूमते ऐसे बहुत से जो ट्राइबल फूड्स हैं देखने को मिलेगा, तो चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं। लोकल मार्केट में देख सकते हैं ये है महुआ, जो कि इसको खासकर ड्रिंक बनाने में काम आता है, जो कि पी के रास्ते में सोए रहते हैं। तो इस साइड भी है देख सकते हैं। तो अभी खास उतना भीड़ नहीं है, इसी कारण पूरा मार्केट खाली खाली है। थोड़ी देर बाद होने से काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगा, उस टाइम चलने के लिए भी अपन को मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में घूमते घूमते अब डिसाइड कर लिए कि कुछ बड़ा वड़ा ले लेंगे, तो ले लो सर, पैसा तो आप ही के पास है, हमारे मैनेजर साहब का। देख सकते हैं लोकल मार्केट में ऐसे बहुत से जगह मिल जाएंगे आप लोगों को, इस साइड भी है और इधर भी बन रहा है, फिर आगे पूरा मुर्गी ये सब बेचने वाले हैं, और इधर पूरा बस्तर ड्रिंक है, जो कि बस्तर बियर, बस्तर का राइस बियर ये सब देखने को। अरे पीता हूँ ये सब, फालतू आदमी को दिखाना नहीं है, मेरे को डांट सुनाता है। अरे भाई ये बेकार काम है, क्या मछली पढ़ने मछली है तू तो नहीं है, इस पैसा हुआ है 220 देश में जा। लोग यहां से चल जाते हैं क्योंकि यहां बहुत सामान ये सब ले चुके हैं, और अब हम लोग यहां से जाएंगे तामड़ा घूमर। भैया डिसाइड कर लिए हैं अब कुछ कोल्ड ड्रिंक लेंगे, तो हम इनका पैसा खर्च करने में कोई देरी नहीं करते। ठीक है वो 50 वाला दे दो। हम लोग अब यहां से कोल्ड ड्रिंक ले लिए हैं, निकल जाएंगे। तो गाइस अपन लोग अभी पहुंच गए हैं बारसूर रोड में, देख सकते हैं यहाँ पे बैनर भी टंगा है, और तो अपन लोग ये बारसूर रोड का एक कच्चा रोड है, इधर से अपन लोग जा सकते हैं तामड़ा घूमर जिसके थ्रू, तो थोड़ी देर में तो फिर चलिए चलते हैं यहाँ पे आगे क्या। लोग पहुंच गए हैं तामड़ा घूमर, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों का पार्किंग है। अपन लोग भी चलते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी जंगल एरिया में है, जिस कारण से पूरा सुनसान सा लग रहा है। सब लोग तो आए हैं लेकिन सब लोग गए हैं वाटरफॉल साइड, तब जाके यहाँ पूरा खाली है, तो चलते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहता है तो यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए भी सुविधा है, देख सकते हैं ऊपर से आगे, तो यहाँ कैंपेनिंग भी कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पे आप लोग को खाने पीने का भी व्यवस्था मिल जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो तामड़ा घूमर या तामड़ा घूमर वाटरफॉल आ सकता है, तो काफ़ी टूरिस्ट भी आ चुके हैं और जा रहे भी हैं,
तो चलिए आगे क्या होता है फिर बताते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल, देख सकते हैं काफ़ी खाई जगह है यार। तो अगर कोई आता है तो अपने रिस्की से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काई भी जम गया है, तो गिर सकते हैं। इस कारण से ध्यान से चलना पड़ेगा। तो अपन को नीचे जाना है, नीचे जाके एंजॉय करेंगे और ऊपर में अपना काम नहीं बनेगा। तो आगे चलते हैं, देख सकते हैं इतना खाई को अपन को पार करके जाना पड़ेगा। सो आप लोग को दिखा देते हैं कितना खाई है। तो नीचे पहले से कुछ लोग हैं जो कि देख सकते हैं, तो यहां से अपना वाटर फॉल कर रहा है। सो गाइस, अगर आप लोग भी तमड़ा घुमर वाटरफॉल में आते हैं और आपको नीचे उतर के एंजॉय करना है, तो जो तमड़ा घुमर वाटरफॉल है उसको पार करके इस साइड आना है। देख सकते हैं उस साइड वाटरफॉल कर रहा है। तो इधर आके अपन को इधर से कुछ चट्टानों को पकड़ के नीचे उतरना पड़ता है, जिस कारण से हम नीचे जाएंगे यार, जाहिर सी बात है। सो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, किस टाइप का उतरना है बिल्कुल मैं वाइल्ड लाइफ एडवेंचरियस मूवमेंट को कैप्चर करके आपको एक्सप्लोर करूँगा। सो देट वेन एवर यू विल कम यू विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। ओके, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों। सो काफ़ी मस्त जगह है यार यहाँ बैठने के लिए। सो देख सकते हैं वाटरफॉल इधर से, तो थोड़ा हमारे सूर्या भैया आ रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट एबल टू शोइंग यू वेरी बेटर वे। देख सकते हैं इतना खाई है। यहाँ से अपन को किधर से उतरना है अपने एक बॉस बताएंगे, सो देट वी विल एबल टू गो। लेट्स कम, ये हमारे जो ट्रेनर साहब हैं ये हमको बताएंगे कि किधर से उतरना है। लेट्स सी व्हाट हैपन गाइस। इधर से रूट थोड़ा काफी खतरनाक दिखा, सो देट मेरे जो व्यूअर्स हैं जब कभी भी आएंगे तो हम उनको मुसीबत में न डाले बोल के हम ऐसे रूट को पकड़े हैं जहाँ पे एक छोटा बच्चा भी आ जा सकता है, सो देट आप लोगों के लिए काफी आसान हो। तो देख सकते हैं ऐसे चट्टान है जिसको अपन को पकड़ पकड़ के आना पड़ता है। तो जब कभी भी आए तो पैर को अच्छे अच्छे जगहों पर रखें, आराम से आराम से। देख सकते हैं काफी बरसात के मौसम में और ज्यादा खतरा मंडराता है, क्योंकि यहाँ पे काई जमना स्टार्ट हो जाता है। काफी मस्त व्यू देखने को मिलेगा गाइस। लेट्स गो, व्हाट अ वाइब, आई लाइक इट, दैट काइंड ऑफ वाइब। हो जाएगा मौसम, हाँ इनको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे उतरा जाता है। हमारे जो ट्रेनर है हमसे सामने जाके हमको गाइड कर रहे हैं कि इस टाइप के इलाकों में कैसे फेस किया जाता है। तो देख सकते हैं अब मैं भी इसी चीज को हैंडल करके उतरता हूँ। देख सकते हैं अब हमारे कैमरामैन उतर रहे हैं जो कि काफ़ी सावधानी बरतते हुए, क्योंकि एक पैर भी उधर उधर हो गया तो समझ जाइए आप यमराज के करीब आने वाले हैं। तो जितना हो सके खुद को अच्छी तरीके से पैर को रखते हुए नीचे चले जाना है। देख सकते हैं सो अपने जो साथी हैं पीछे वो पहुंच गए, तो अपन को यहाँ से जाना है। गाइस मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे वाइल्ड लाइफ में डिस्कवरी चैनल में एक्सप्लोर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अगर बाई चांस आपको जब कभी भी बरसात के मौसम में आते हैं तो इस जगह पे आप छुप सकते हैं,
क्योंकि बरसात के मौसम में आना जाना ऊपर नीचे करने और घर जाते बहुत दिक्कत जाता है। इधर से क्या हुआ तो अपन लोग इधर से ही चले जाते हैं। यहाँ का एक अलग ही वाइब देखने को मिलेगा। तो यहाँ बात करने से भी ना बात गूंज रहा है, मजा आ रहा है। द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस हियर। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही कठिनाइयों से हम जा रहे हैं। देख सकते हो चप्पल वप्पल को पूरा फेंक दिए हैं। तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कम से कम बहुत ही 50 मीटर दूर होगा, 50 मीटर होगा अप्रोक्सीमेटली। हम 50 मीटर के अंडर में हैं। यहाँ से जस्ट जाएंगे तो हम आपको एक्सप्लोर करके दिखा देंगे। लेट्स कम दिखा। बहुत ही जबरदस्त मधुर हमारे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों। खासकर पैर अच्छा संभाल कर। देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ गिर गया है, इस कारण से यहाँ पे बहुत से कांटे लगे हुए हैं। ये बोड़ झाड़ का पेड़ है, इस कारण से यहाँ चलने से बहुत दिक्कत आ रहा है। तो अपने जो ट्रेनर साथी हैं वो तो यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं, तो देख कोई भी लोग आए तो इजीली इसको पार कर जाए। यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन बनता है, इसी कारण से जाने में मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ये बेर बोर्ड नहीं बेर। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ का माहौल को ढलते हुए अपन को जाना पड़ रहा है। Feeling amazing. Guys, इधर बहुत से लोग आना जाना करते हैं, इसलिए देख सकते हैं काफी रास्ता बन चुका है इधर से आना जाना करने के लिए। तो देख अपन को भी इस ऐसा लग रहा है कि हम किसी केव के अंदर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। काफी जबरदस्त फीलिंग देखने को मिल रहा है, तो मजा आ रहा है। तो चलिए और जाके और आगे जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो देख वी कैन कैप्चर एवरी मोमेंट लाइक अ हैप्पी।
गाइस देख सकते हैं इधर से पानी गिर रहा है ऊपर से, हम लोग झरना के नीचे ही हैं। काफी मस्त जगह है क्योंकि ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम किसी केव के नीचे हम लोग छुपे हुए हैं, जैसे आर्या पार मूवी के सीन में होता है कि चित्रकूट के झरना के पीछे एक गुफा रहता है, बिल्कुल वही सिलसिला देखने को मिलेगा। इधर दिखा दीजिए, काफी जबरदस्त एरिया है, मजा आ जाएगा इधर रह के आपको। तो अपन को वहाँ नीचे जाना है, वहाँ जाके अपन को एंजॉयमेंट करना है दोस्तों। देख सकते हैं काफी मस्त एरिया है, सो दैट एवरी मोमेंट वी वॉन्ट टू कैप्चर फॉर द अवर व्यूअर्स फॉर अवर फ्रेंड्स। चलिए फिर चलते हैं नीचे, देख सकते हो गाइस कितना शानदार, जैसे कि किसी गुफा के अंदर है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अभी हम नीचे उतर जा रहे हैं, वो आस पास नीचे उतरने का रास्ता है, रास्ता तो नहीं बना है कोई, अपने आप बना है रास्ता। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थर का डेरी खड़ा हुआ है, बेसिकली जो यहाँ के ट्राइबल लोग हैं पत्थर को ही एक देवी देवता की तरह पूजते हैं, सो दैट यहाँ पे जब कोई भी आता है तो वहाँ पे फूल और अगरबत्ती ये सब जला के जाता है, जो यहाँ के नेटिव और ट्राइबल लोग होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इधर से अपन लोग उतरेंगे नीचे, देख सकते हैं मजा आ जाता है यार ऐसी जगह। यहाँ पे उतरने के लिए भी खासकर पैरों को अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि एक पैर भी इधर उधर फिसल गया फिर समझ जाइए आपको हॉस्पिटल जाने से कुछ। तो किसी पेड़ के सहारे होते हुए अपन को उतरना पड़ रहा है। तो इस तरीके से होते हुए इधर उतरना पड़ता है। तो अपन लोग धीरे धीरे अपने मंजिल के ओर पहुंच ही गए हैं। तो देख सकते हैं गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच गए, काफी अच्छा लग रहा है, जबरदस्त व्यू देखने को मिलेगा एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी। अपन लोग पहुंच गए हैं तो नीचे, अब यहां से हम लोग प्लान बनाए हैं कि पूरा यहां पे देख सकते हैं स्विमिंग पूल टाइप का, यहां पे हम लोग नहाएंगे और एंजॉय करेंगे। आप देखते रहिए मजा आएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज भी कम है दोस्तों, चार्ज चढ़ा के नहीं आया था। तो चलिए वहां जाके नीचे एंजॉय करेंगे। तो देख सकते हैं इतना दूर से पानी गिर रहा है, हम लोग अब वहां जाके नहाने वाले हैं, देख सकते हैं काफी जबरदस्त लगने वाला है गाइस। और यहाँ पे काफी चट्टानों को पार करते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे अपने दोस्त पहले से ही यहाँ पे यहाँ का मजा उठाते हुए, तो हमको उस नीचे वहाँ पे जाके अपन को वहाँ का मजा का लुप्त लेना है, तो चलेंगे वहाँ पे जाके, क्या मजा आएगा देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस फाइनली अपन लोग नहा धो के अब यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग कपड़ा पहन रहे, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे घर क्योंकि बहुत इंजॉय करने हैं दोस्तों, मजा आ गया। यहाँ के जैसे यादगार पल कहीं नहीं मिलने वाला या इधर भी दिखा, मैं पल मैं कभी नहीं भूल सकता। तो जिंदगी में क्योंकि मेरे को एक निशानी मिल गया बहुत ही बड़ा खूबसूरत, अब कभी यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एक चीज मैं बोलना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को, जब भी कहीं आप लोग टूर में जाते हैं तो अपने अपने जिम्मेदारी से जाएं,
क्योंकि कहीं पे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हर जगह चट्टान है। बेसिकली वो जो जहाँ पे पानी फॉल कर रहा है तो वहाँ पे जब कोई नहाने जाता है तो बहुत काई जम गया यार। अगर कोई व्यक्ति जाता है वहाँ पे तो गिर भी सकता है। तो अपने जिम्मेदारी से आएँ, इंजॉय करें और जाएँ, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा भी है। दिखने में तो काफ़ी आसान सा दिख रहा है लेकिन यहाँ मौत का खाई से कोई कम नहीं है यार। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, क्योंकि मैं थक गया हूँ नहा धो के इंजॉय करके।